नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल नाइस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन पढ़ते जा रहे हैं और जिसका नाम है, जो अभी आप एग्जाम्स आ रही हैं PTET की और आपके BSTC वगैरह जो PBSTC की है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है सेंटेंस। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में चलते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, अगर इसकी हिंदी करें तो सीधा बताते हैं आपकी वाक्य, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वाक्य। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में अपन को जानना जरूरी है। तो देखिए क्या मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस है वो ग्रुप्स का वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी शब्दों का समूह होता है। किसका समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, विच हैविंग फुल मीनिंग, जिसका पूरा मीनिंग निकलता हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सेंटेंस कब होगा, जब उसका कंप्लीट अर्थ निकलेगा। अगर कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है इसका मतलब वो सेंटेंस नहीं है। आप देखो आपके सामने एग्जाम्पल है यहाँ पे, सोहन इज ए गुड बॉय, सोहन एक अच्छा लड़का है ना। अब देखो यहाँ इसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि सोहन एक अच्छा लड़का है, लेकिन बॉय इज गुड सोहन, अच्छा है लड़का सोहन। अब इसमें ये करोगे आपके साथ थोड़ा इसमें भी अर्थ निकल रहा है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से निकलना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से वो नहीं निकल रहा है, इसलिए ये आपका क्या सेंटेंस नहीं होगा और ये वाला सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। तो सेंटेंस समझ में आ गया कि शब्दों का समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। तो ये तो था आपका सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस में मेनली पार्ट कौन से होते हैं। तो देखिए मेनली पार्ट इसमें तीन होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, और तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो कोई काम को करने वाला है वही क्या है, सब्जेक्ट है। और जो वो काम क्या कर रहा है, वो जैसे खेल रहे पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या काम पढ़ने का कर रहा है, और क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है, या महाकाव्य पढ़ रहा है, या और कुछ पढ़ रहा है, तो वो चीजें क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट में आती है। इसमें आती है ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट काम को करने वाला, वो क्या, वो जो काम कर रहा है वो वर्ब, और क्या काम कर रहा है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया। अब देखिए आप, अपन आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखिए आप, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ये असर्ट का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, एकत्रित करना, उसके स्टेटमेंट देना। तो देखिए असर्टिव का मतलब हो गया, अब क्या हुआ, ये जो सूचना पर देते हैं, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, वही क्या होता है, वही असर्टिव सेंटेंस में आता है। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यानी इसके अंदर दो वाक्य मिले हुए हैं, एक तो जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हो, एक जिसमें नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, असर्टिव या इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होता है वो भी इसको बोलते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में आ जाए कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो देखिए जो सकारात्मक और जो नकारात्मक वाक्य होते हैं वो दोनों इसमें आते हैं, क्योंकि जो सूचना होती है वो आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे होगी, इसका उदाहरण देखिए आप। जैसे मैंने कहा सी इज नॉट कुकिंग फूड, पहला है कि मैंने कहा कि वो भोजन नहीं पका रही है, सी इज नॉट कुकिंग फूड। और दूसरा मैंने कहा मोहन इज कमिंग टूडे। अब देखो दोनों के बारे में सूचना दे रहा हूं मैं, दोनों के बारे में सूचना दे रहा हूं कि दोनों के बारे में कि कोई एक तो आ रहा है, एक काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। यहां मैंने कहा सी इज नॉट कुकिंग फूड, वह भोजन नहीं पका रही है, इसका मतलब मैंने नकारात्मक, लेकिन सूचना तो दी है ना आपको, आपने पूछा कि वो क्या कर रही है, तो मैंने कहा कि आपने पूछा कि भोजन पका रही है, तो मैंने कहा नहीं वो कुछ नहीं कर रही है, वो भोजन नहीं पका रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगी और ये आपकी पॉजिटिव होगी। लेकिन दोनों के अंदर सूचना है, इसलिए ऐसे वाक्य जिनमें सूचना दी जाती है वो चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, उसे क्या कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। समझ में आ गया। ये तो था आपका असर्टिव। इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब पर्सन, पर्सन तो जानते हैं ना आप, जो कोई प्रश्न पूछे जैसे वह कहाँ जाता है, मोहन कैसे गाता है, वह कैसे पढ़ता है, ये सारे सारे जो क्वेश्चन अपन पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव में आते हैं। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें लास्ट में आपको पहचान का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके अंदर लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो जो एकदम जीरो लेवल पे हैं, जिनको नहीं पता है, उनके लिए बता, उनको पहचान करने के लिए बता रहा हूं कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। कैसे, जैसे व्हाई डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों गया है, वह स्कूल क्यों गया था, वह स्कूल क्यों गया था। अब देखो यहाँ WH शब्द भी आता है, ये भी आ गया, अगर आपकी पकड़ में नहीं आ रहा है तो बिगिनर है, तो लास्ट में देखिए यहाँ हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, जिसे आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर या तो क्या होगी, इसमें ऑर्डर होगा,
या क्या होगा इसके अंदर एडवाइस होगी, या इसके अंदर क्या होगी ऑर्डर हो गया आपका, इसके अंदर एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट होगी। क्या होगी? रिक्वेस्ट। अब कैसे, जैसे मान लो मैं आया क्लास में या कोई भी आपका टीचर आया और आते उसने कहा कि जैसे खिड़कियां हैं तो मैंने क्या कहा, या दरवाजा बंद है तो आपने दरवाजा बंद करके तो मैंने आते कहा ए ओपन द डोर, इसका मतलब मैंने क्या किया, क्या किया मैंने, ओपन द डोर आपको कहा। अब बताओ मैंने क्या रिक्वेस्ट की, नहीं नहीं रिक्वेस्ट तो नहीं की, तो क्या किया मैंने आपको ऑर्डर दिया या कमांड दी। तो जब ऑर्डर या कमांड का होता है तो वो क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में होगा। किसमें होगा? इंपेरेटिव में। तो पहला मैंने क्या कहा, ओपन द डोर, ये तो हो गया आपका ऑर्डर में। अब देखिए एडवाइस, अपने इंडिया में खूब फोकट में एडवाइस मिलती रहती है अपन को, ऐसे जो सलाहकार बहुत होते हैं जो फालतू में सलाह दे देते हैं, है ना सर। तो अपन को तो सलाह देते हैं, जैसे अपन ने कहा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, जो गरीब है उनकी सहायता करो। अब अपन करें या नहीं करें वो अपनी मर्जी है, लेकिन ये कह रहा है कि हेल्प द पुअर, इसका मतलब गरीबों की सहायता करो। तो ये हो गया। इसके बाद में रिक्वेस्ट, जैसे मेरे पास पेन खत्म हो गया या आपके पास पेन खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे, वो जब पूरा होगा तो आप अपने दोस्त से ये लगाए पेन दे, देगा क्या वो? कभी नहीं देगा। तो क्या क्या करेंगे आप, इसके लिए आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे, या प्लीज गिव मी योर पेन, या गिव मी योर पेन। तो आप जैसे आपने कहा कि गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, मुझे आप एक पेन दीजिए। इसमें क्या हुआ, इसमें आप भी क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब देखो लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या आती है, जो बच्चे बहुत ही बिगनर है यानी अभी सीख रहे हैं, कि इसमें आप इसको पहचान कैसे करोगे। तो क्या इन तीन वाक्यों को आप ध्यान से देखिए, कुछ समझ में आया आपको? इसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये वाक्य होते हैं ये क्रिया से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? क्रिया से। तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट, और आपने देखा कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो देखिए सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसमें सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है इसमें, लेकिन वो क्या होता है कि वो अंडरस्टूड होता है, और इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है हमेशा यू। अगर अपने सामने वालों को कोई चीज कहेंगे तो यू तो कहेंगे ना कि तुम ऐसा करो, आप ऐसा करो, ये करो, तो क्या होगा उसके लिए इसमें यू होता है। जैसे यह होगा यू ओपन द डोर, यू हेल्प द पुअर, यू गिव मी ए पेन, तो ये इसमें छुपा दिया जाता है। तो आपको इंपेरेटिव की पहचान कैसे करनी है, कि ये सही क्रिया से चालू होता है और इसके अंदर ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का भाव होता है। अच्छी तरह क्लियर हो गया ना, तो आप ध्यान से समझते रहें, बाकी आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, कि कोई भी चीज अचानक होती है, कैसे, जैसे अपने शरीर को या तो दुख, कोई कांटा चुभता है या कुछ ऐसी चीज लगती है जिसे दुख होता है या जिससे उसको कष्ट होता है, कष्ट होते ही उसके लिए एक आवाज ऑटोमेटिक निकलती है, और एक एक क्या होता है, एक अपने को खुशी होती है तो उसकी आवाज अलग निकलती है और फिर अपने आप आती है। कैसे, मान लीजिए एक गर्म पानी का आपने बाल्टी लिया या गर्म कोई वस्तु है एकदम से गर्म है, और उसके आप ये हो गया आपका टच हो गया। अब टच होते आप क्या करोगे, जैसे टच हुआ तो अपने मारपीट में, अरे वाह ये होता ना, तो क्या हुआ ये शब्द निकला, ये शब्द निकला, तो शब्द निकलते क्या हुआ, इसका मतलब आपके शरीर में आपने जान कुछ ही निकला नहीं। और इसको अगर अपने इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, ओ क्या निकलता है, ओ जैसे अंगुली लगाई ओ मेरा हाथ जल गया, तो ये क्या होगा। ऐसे अगर आपकी खुशी होगी बालू बाहर से आए और यहाँ आते आपको पंखे की हवा मिल गई या कूलर की हवा मिल गई, तो बाहर से गर्मी है और अब आहा तो एक शब्द निकला आहा, तो ये क्या हुआ, देखो वो आहा दिस रूम इज वेरी कूल, ये रूम तो बहुत ठंडा है। तो जब अपनी खुशी होती है तो अलग निकलता है, अपने फुटबॉल मैच जीत लिया तो उसके लिए शब्द आता हुर्रे, वी विन द मैच, वी वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो यानी जब खुशी होती है तो शरीर से ऑटोमेटिक एक आवाज निकलती है, और जो दुख होता है वो भी निकलती है। तो जैसे एग्जांपल लिखे अपन एक्सक्लेमेटरी का, और यहाँ पे दिस रूम या द रूम इज वेरी कूल, द रूम इज वेरी कूल, ऐसे ही एक अगर आई एम तो मर गया, बर्बाद हो गया, आई एम रूम्ड, रूइंड, तो ये सब क्या होता है आप देखिए। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो इसके पहचान का तरीका तो बताओ भाई, ये तो ठीक है आपने मानो अंग्रेजी नहीं पढ़नी आ रही आपको, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इसको पहचानने का बात तरीका सबसे बढ़िया है, लास्ट में इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक लाइन उसके नीचे ये जो बिंदु होगी तो ऐसा आएगा, तो ऐसा आने पर आपको तुरंत पहचान कर लेनी है कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आ गया मेरी बात, ऐसे शब्द भी आएंगे, अगर ये शब्द आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो भी क्या होगा, यहाँ पे आप एक ये जो लास्ट में आएगा ये कन्फर्म आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क होते ही वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आ गया, विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं इसको जिसमें अपन को आश्चर्य होता है, अचानक अपन को आवाज निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। इसके बाद में लास्ट इसमें बचा हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखो आप बड़े बूढ़े जाते हैं, अब उनके अपन ढोक लगाते हैं, तो ढोक लगाने पर क्या होता है,
वो आशीर्वाद देते हैं भाई, जीवित तो रहे, खुश रहे, वो सारे क्या होते हैं, वो होता है दुआ देते हैं, वो अपने आशीर्वाद देते हैं, सबसे दुआ नहीं आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही अपन दुआ करते हैं किसी को, जैसे मान लो कि भाई भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो अपन क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपको आशीर्वाद दे या भगवान आपको सुखी रखे। और ऐसे ही अगर मान लीजिए कि अपन को दुख हो रहा है अपने, तो बददुआ निकलती है, क्या निकलती है बददुआ, तो अपन क्या कहते हैं, जा तेरा सत्यानाश, हिंदी में कहते हैं ना। तो ये चीज लिंक करके पढ़ोगे तो आपको एक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में होता है आपका एक तो दुआ, एक बददुआ, और दूसरी क्या होती है आशीर्वाद। जैसे एक वाक्य आपको मैं यहां लिख रहा हूं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे या आशीर्वाद है या जो भी, तो ये सारे के सारे क्या है, मे गॉड ब्लेस यू ये है, तो ये मे से शुरू होते हैं ज्यादातर, किसे शुरू होते हैं, मे से शुरू होते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, खुश रखे। ऐसे ही बहुत से जो अपन को आशीर्वाद देते हैं या अपन किसी के बारे में ये बोलते हैं कि नहीं वो उसके ये काम कभी नहीं होना चाहिए, तो ये चीजें होती हैं वो आती हैं ऑब्जेक्टिव में, किसकी आती है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस का टाइप था वो क्या था, वो था अपना पर्पज क्या है। देखो जैसे कभी अपने ऑटोमेटिक शरीर से फीलिंग निकली, कभी अपने प्रार्थना की, कभी दुआ दी, कभी सूचना दी, तो ये तो हो गए पर्पज के आधार पर। ये सारे के सारे किसके आधार पर हुए हैं, पर्पज यानी उद्देश्य के आधार पर है, पर्पज के आधार पे या इसके आपके उद्देश्य के आधार पे। अब इसके बाद में देखिए सेंटेंस एक आपका स्ट्रक्चर के आधार पे भी होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे कैसे होते हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज दोस्तों इतना ही, तो आप एक बार उनको अच्छी तरह से आप देख लें, अगर किसी को नहीं, किसी ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार इसका देख लें, आराम से देख ले लें, उसके बाद में आपको एक बार इसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, समझ आया ना। तो ये था आपका पर्पज के आधार पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आप संरचना के आधार पर बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।